गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ नाइन्थ ग्रेड, दिस इज योर फिजिक्स क्लास। इन दिस क्लास वी विल लर्न अबाउट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट्स। लेट्स स्टार्ट। योर फर्स्ट टॉपिक इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बेटा व्हाट इज एटमॉस्फेयर? अब एटमॉस्फेयर क्या होता है? अर्थ इज सराउंडेड बाय एयर, ठीक है। जो हमारी अर्थ है वो किसके साथ सराउंड होती है? बाय एयर, अप टू अ हाइट ऑफ अबाउट 300 किलोमीटर फ्रॉम द सर्फेस। जो हमारी अर्थ है फ्रॉम द सर्फेस ऑफ 300 किलोमीटर, ठीक है, अपने सर्फेस से 300 किलोमीटर तक वो किसके साथ सराउंड है? एयर के साथ। और इस इनवेल्प के एयर को, एयर ने क्या बनाए होते हैं? हमारे सर्फेस के द्वारा एक इनवेल्प, ठीक है, एक इनवेल्प क्रिएट किया होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? एटमोसफियर बोलते हैं। द वेट ऑफ एयर कॉलम एक्सर्ट अ थ्रस्ट ऑन अर्थ सर्फेस, ठीक है। जो वेट ऑफ एयर है, जो एयर का कुछ ना कुछ वेट होगा, वो क्या करेगा? कॉलम क्या करेगा? एक्सर्ट एयर कॉलम एक्सर्ट क्या करेगा? थ्रस्ट ऑन द अर्थ सर्फेस। द थ्रस्ट एक्सर्ट ऑन द यूनिट एरिया ऑफ द अर्थ सर्फेस इज कॉल्ड एटमोस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। वट इज बेटा थ्रस्ट? हमने लास्ट असाइनमेंट पढ़ा था थ्रस्ट क्या होता है। थ्रस्ट इज अ फोर्स विच इज़ परपेंडिकुलर टू द सर्फेस, ठीक है। थ्रस्ट वो फोर्स होती है जो होती है परपेंडिकुलर होती है सर्फेस के, ठीक है। तो जो एयर है वो क्या करेगी? थ्रस्ट एक्सर्ट करेगी ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ, उसे हम क्या बोलते हैं? कितने पर करेगी? ऑन यूनिट एरिया ऑफ अर्थ सर्फेस, ठीक है। द थ्रस्ट एक्सर्टेड ऑन अ यूनिट एरिया, यूनिट एरिया पर जितना अर्थ के सर्फेस पर थ्रस्ट एक्सर्ट होगा उसे हम क्या बोलेंगे? एटमोस्फेयरिक प्रेशर। सो वॉट इज द डेफिनेशन ऑफ एटमोस्फेयरिक प्रेशर? द थ्रस्ट एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया ऑन द अर्थ, ठीक है। जो थ्रस्ट एक्सर्ट हो रहा है पर यूनिट एरिया ऑन द अर्थ सर्फेस ड्यू टू कॉलम ऑफ एयर, ठीक है, किसके कारण हो रहा है? एयर के कॉलम के कारण हो रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दिस इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ, ठीक है, उसे हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ। नेक्स्ट बेटा, कॉमन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब दिस टॉपिक, दिस लेट्स सी डेमोन्स्ट्रेट ऑफ अर्थ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमने कैसे डेमोन्स्ट्रेट किया, ठीक है, क्लास्पिंग द टिन कैन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। कैसे वो क्लास्प मीन्स सुकड़ नहीं जाता, क्लास्प हो जाता है, क्लास्पिंग अ टिन कैन एक्सपेरिमेंट। डेमोन्स्ट्रेट ऑफ अर्थ एटमोसफियर। द एग्जिस्टेंस ऑफ अर्थ एटमोसफियर एटमोस्फेयरिक प्रेशर कैन ईजिली डेमोन्स्ट्रेट इन द लेबॉरेटरी बाई द फॉलोइंग सिंपल एक्सपेरिमेंट, कि हमारा एटमोसफेयरिक प्रेशर क्या करता है? एग्जिस्ट करता है, उसे हम सिंपली लेबॉरेटरी में एक्सपेरिमेंट कर कर डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, ठीक है, बता सकते हैं। तो हमारी एक्टिविटी कौन सी है? क्लास्पिंग टिन कैन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। जो क्लास्प होता है टिन कैन एक्सपेरिमेंट, हमने क्या लेने हैं? हमें एक थिन टिन चाहिए जिसे हमने फिट कर देना है विद एन एयर टाइट स्टॉपर, ठीक है। उससे हमने एक टिन को एयर टाइट स्टॉपर के साथ क्या कर देना है? फिट कर देना है। द स्टॉपर इज रिमूव्ड एंड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इज बॉइल्ड इन द कैन, ठीक है। स्टॉपर को हमने रिमूव करना है और हमने एक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर को बॉयल करना है कैन में। ग्रेजुअली स्टीम ऑक्यूपाइज द एंटायर सरफेस ऑफ कैन बाय एक्सपेलिंग द एयर, ठीक है। जब हम वाटर को बॉयल करेंगे तो जिसकी स्टीम क्या आएगी? वो ऑक्यूपाई करेगी होल ऑफ द सरफेस, ठीक है, एयर के साथ मिक्स होकर। द स्टॉपर इज देन टाइटली रिप्लेस्ड एंड साइमल्टेनियसली फ्लेम बीनीथ इट कैन बी रिमूव्ड, ठीक है। फिर हमने क्या करना है? स्टॉपर को वापस से क्या कर देना है? द स्टॉपर इज देन टाइटली रिप्लेस्ड, उसे टाइटली रिप्लेस्ड कर देना है एंड साइमल्टेनियसली किसे क्या कर देना है? हमने फ्लेम को ऑफ कर देना है। कोल्ड वाटर इज देन पोर्ड ओवर द कैन, उसके बाद हमने उस पर क्या डालना है? कोल्ड वाटर डालना है कैन पर। इट इज़ ऑब्जर्व दैट कैन कोलैप्स इनवर्ड, कैन क्या करेगा? इनवर्ड क्या करेगा? कोलैप्स करेगा, ठीक है, इनवर्ड की तरफ वो मुड़ जाएगा, ऐसे देखो, कोलैप्स इनवर्ड। द रीज़न इज़ दैट इनिशियल द प्रेशर ड्यू टू स्टीम इन साइड द हीटेड कैन इट सेम एज द एयर प्रेशर, ठीक है। पहले क्या था? जो प्रेशर था इनसाइड द स्टीम, इनिशियली द प्रेशर ड्यू टू स्टीम इनसाइड द हीटेड कैन इज सेम एज एयर प्रेशर आउटसाइड द कैन, ठीक है। पहले जो इनसाइड प्रेशर और आउटसाइड प्रेशर का था, एयर प्रेशर के साथ सेम था, बट ऑन पोरिंग कोल्ड वाटर, जब हमने उस पर कोल्ड वाटर डाला ओवर द कैन फिटेड विद द स्टॉपर, द स्टीम इन साइड इट कैन कंडेंस्ड, जब हमने उस पर कोल्ड वाटर डाला तो जो स्टीम थी वो क्या होने लगी? कंडेंस्ड होने लगी, ठीक है, प्रोड्यूसिंग वाटर एंड वाटर वेपर्स एट द लो
pressure. Now the air pressure outside the can exceed the vapor pressure inside the closed can. ठीक है, जो air pressure है outside the can वो क्या करेंगे, exceed क्या करेंगे vapor pressure को inside the closed can. Consequently the excess air pressure, atmospheric pressure outside the can causes it टू क्लैश इनवर्ड. क्या होगा रिजल्ट इन, हमारे पास क्या होगा, जो एक्सेस एटमोस्फेरिक प्रेशर आएगा आउटसाइड द कैन वो क्या करेगा, क्लैश कर देगा टिन को इनवर्ड. दिस डेमोस्ट्रेट दैट द एटमोस्फेरिक आउटसाइड एटमोसफेयर आउटसाइड द कैन एग्जर्ट अ प्रेशर विच इज़ नोन एज एटमोसफेयरिक प्रेशर. इससे क्या डेमोस्ट्रेट होता है कि जो हमारा एटमोसफेयर है आउटसाइड द कैन वो क्या करता है, एग्जर्ट अ प्रेशर विच इज़ नोन एज, उसे हम क्या बोलते हैं, एटमोस्फेयरिक प्रेशर बोलते हैं. ठीक है, क्या करना है, हमने एक टिन लेना है, उसको हमने फ्लेम में, फिर उसे खाली टिन लेना है. ठीक है, उसका हमने स्टॉपर रिमूव कर उसमें हमने क्वांटिटी ऑफ वाटर को बॉयल करना है. जब वाटर बॉयल होने लगे तो उस पर हमने स्टॉपर रिप्लेस कर देना, हमने जो फ्लेम है वो ऑफ कर देना. उसके बाद हमने उस पर कोल्ड वाटर डालना है, तो टिन क्या होगा, इन्वर्ट की तरफ कोलैप्स हो जाएगा. ठीक है, जब ऐसा क्यों हुआ, पहले क्या था, इनिशियली जो हमारा आउटसाइड प्रेशर ऑफ द टिन एंड इनसाइड प्रेशर ऑफ आउटसाइड एटमोस्फेरिक प्रेशर इनसाइड प्रेशर ऑफ स्टीम क्या थे, दोनों सेम थे. पर जब हमने कोल्ड वाटर डाला तो जो इनसाइड का प्रेशर था वो क्या होने लगा, इंक्रीज होने लगा. दैट्स व्हाई द टिन कोलैप्स इनवर्ड. नेक्स्ट कॉमन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एटमोस्फेरिक प्रेशर. ठीक है, उसके कॉमन कॉन्सिक्वेंसेज क्या होते हैं, सकिंग अ ड्रिंक विद द स्ट्रॉ. जब हम, आपने देखे ना, हम नॉर्मली जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं वो स्ट्रॉ से क्यों लेते हैं, व्हेन द ड्रिंक इज सक्ड विद द स्ट्रॉ, जब हम ड्रिंक को स्ट्रॉ के साथ स्ट्रक करते हैं, द फर्स्ट द एयर इन द स्ट्रॉ गोज इन टू आर लंग्स ड्यू टू विच एयर प्रेशर इन साइड द स्ट्रॉ डिक्रीजेस. ठीक है, जब हम क्या करते हैं, आपने महसूस कर रहा होगा कि जब हम वाटर को सक करते हैं, ठीक है, किसी सॉफ्ट ड्रिंक को सक करते हैं, पहले क्या होता है, जो एयर होती है स्ट्रॉ में वो हमारे लंग्स पे जाती है, ड्यू टू विच द एयर प्रेशर इनसाइड द स्ट्रॉ डिक्रीजेस, जिसके कारण जो एयर प्रेशर है वो स्ट्रॉ का क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है. द एटमोस्फेरिक प्रेशर एक्टिंग ऑन द सर्फेस ऑफ द ड्रिंक बींग मोर देन द प्रेशर इनसाइड द स्ट्रॉ. ठीक है, अब क्या होता है, जो एटमोस्फेरिक प्रेशर होता है एक्टिंग ऑन द सर्फेस ऑफ ड्रिंक बींग मोर देन द प्रेशर इन साइड द स्ट्रॉ, जब जो अब एटमोस्फेरिक प्रेशर होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा. ठीक है, एज कम्पेयर टू प्रेशर इन साइड द स्ट्रॉ forces the drink to make up in the straw which then reach in into our mouth. ठीक है, जो बाहर का एटमोस्फेयरिक प्रेशर होगा वो क्या करेगा, ड्रिंक को फोर्स करेगा टू मूव अप इन टू द स्ट्रॉ विच देन रीचिज आर माउथ. ठीक है, सिमिलरली फिलिंग अ सरेंज विद लिक्विड. ठीक है, अब हम लिक्विड के में, आपने देखा ना सरेंज कैसे को हम फिल करते हैं लिक्विड के साथ, द सरेंज इज कैप्ड इट विद इट्स ओपनिंग जस्ट इनसाइड अ लिक्विड एंड प्लंज इन टू इज लोअर्ड टिल इट्स बेस. ठीक है, उसके बाद नाउ वैन द प्लंजर इज पुल्ड अप इन द बैरल देयर इज नो एयर इनसाइड एंड दस द प्रेशर इनसाइड द बैरल बिलो द प्लंजर इज मच लेस देन द एटमोस्फेरिक प्रेशर एक्टिंग ऑन द लिक्विड सर्फेस. एज अ रिजल्ट द एटमोस्फेरिक प्रेशर फोर्सेज द लिक्विड टू राइज अप इन द सिरिंज. ठीक है, इट इज सिमिलर मैनर इन द वाटर पंप, वाटर इज ड्रॉन अप फ्रॉम अ वेल ऑन पुलिंग द पिस्टन अप. सिमिलरली सिंपल सा फंडा है, क्या होगा, जब हम किसी चीज़ को सक करेंगे, जब खींचेंगे पिस्टन को, तो उसका जो एयर होगी वो क्या निकलेगी, बाहर निकल जाएगी, जिसकी वजह से उसका इनसाइड प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. अगर उसका इनसाइड प्रेशर डिक्रीज हो गया तो आउटसाइड प्रेशर क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा विच फोर्सेस द सब्सटेंस टू राइज अप. ठीक है, जैसे वाटर विच फोर्सेस द वाटर टू राइज अप इन द स्ट्रेंज. राइट, नेक्स्ट फिलिंग ऑफ इंक इनटू अ फाउंटेन पेन. अब फाउंटेन पेन में जो इंक फिल करते हैं, एज अ सिरिंज इज फिल्ड विद द लिक्विड ड्यू टू द एटमोस्फेरिक प्रेशर इंक ऑल्सो गेट फिल्ड इनटू अ फाउंटेन पेन. जैसे हम सिरिंज को करते हैं फिल करते हैं, वैसे इंक को हम फिल करते हैं इन द फाउंटेन पेन में. द पेन इज कैप्ड इट विद इट्स नेब इनसाइड इंक. व्हेन द रबर ट्यूब ऑफ द फाउंटेन पेन इज स्क्वीज्ड almost all the air of the rubber tube expelled out in the form of bubbles through the ink
When the rubber tube is released, the pressure inside the rubber tube is much less than the atmospheric pressure acting on it. As a result, the ink rises into the tube through the capillary below the nib of the pen. ठीक है, सेम है कि उसके जो एयर, जब हम उसे इंक में रखेंगे तो उसकी जो एयर है वो रिड्यूस होने लगेगी, बाहर निकलने लगेगी, स्पेल आउट करने लगेंगे इन द फॉर्म्स ऑफ बबल्स. राइट, नेक्स्ट एक्शन ऑफ रबर शक्कर. अब रबर शक्कर को क्या हम कहते हैं? रबर शक्कर आर ऑफन यूज एज हुक्स इन द किचन. ठीक है, किचन में हम यूज़ करते हैं ना एज अ हुक्स. बाथरूम फॉर दिस रबर शक्कर इज प्रेस्ड हार्ड अगेंस्ट द वॉल, सो द एयर बिटवीन द शक्कर एंड द वॉल इज फोर्स्ड आउट, क्रिएटिंग अ वैक्यूम इन between the pressure acting on the outside the hold of the sucker along with the hook on firmly against the wall for the firm grip. The wall must be smooth so that there are no gaps between the wall and the sucker to allow air to leak inside. ठीक है, अब क्या होता है, फॉर दिस रबर शक्कर इज प्रेस्ड हार्ड अगेंस्ट द वॉल. रबर शक्कर को हम प्रेस करते हैं हार्ड अगेंस्ट द वॉल, सो द एयर बिटवीन द शक्कर, जो एयर है वो शक्कर है वो क्या होती है, रिमूव हो जाती है, तो हमें एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, तो वॉल से क्या होता है, एटमोसफेयर प्रेशर क्या लगता है, वॉल पर लगता है, वॉल के साथ चिपके जाते हैं ना फॉर्मली ऑन इट फॉर्मली अगेंस्ट द वॉल्स. ठीक है, उसकी हुक जो होती है फॉर्मली वहाँ पर लग जाती है. ठीक है, सिमिलरली बेटा एक्शन ऑफ साइपन सिस्टम. ठीक है, जस्ट रीड बाई योर सेल्फ एंड टेकिंग आउट ऑयल फ्रॉम अ सील्ड ऑयल कैन, कैसे निकालते हैं, इट इज़ सेम, वही फंडा है, एटमोसफेयरिक प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, इन साइड प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है, इट इज़ ये देखो, टेकिंग आउट ऑयल फ्रॉम अ sealed oil can, it is difficult to take out oil from a completely filled and sealed can by making a single hole in it. ठीक है, वो बहुत difficult होता है. The reason is that there is no air inside a completely filled and sealed oil can. ठीक है, कोई air नहीं होती inside the completely filled or sealed oil can. When the can is tilted, the pressure due to the column of air. ठीक है, जब can tilt हो जाता है, ठीक है, टेंड मीन्स अपनी पोजीशन से थोड़ा इनसाइड था हो जाता है, एट द होल इज मच लेस देन द एटमोसफेयरिक प्रेशर आउटसाइड द कैन, सो द ऑयल डज नॉट फ्लो आउटसाइड द होल. ठीक है, उसका एटमोसफेयरिक प्रेशर लेस होता है, बट इफ वन कैन वन मोर होल इज मेड एट द ऑपोजिट एंड द ऑन द टॉप ऑफ द कवर ऑफ द कैन, एयर फ्रॉम आउटसाइड द कैन विल एंटर इन थ्रू द होल एंड विल एग्जर्ट एटमोसफेयरिक प्रेशर ऑन द ऑयल फ्रॉम इनसाइड अलॉन्ग विद द प्रेशर ड्यू टू ऑयल कॉलम, दिस रिजल्ट इन इंक्रीज इन द प्रेशर ऑन ऑयल सो इट कैन ईजिली फ्लो आउट थ्रू द होल ऑफ द कैन. ठीक है, क्या करते हैं, उसका जब हम सील्ड होता है तो उसका जो एटमोसफेयरिक प्रेशर होता है बेटा वो कम होता है. ठीक है, अगर एटमोसफेयरिक प्रेशर को हम ज़्यादा करने एक होल और ऑल निकालते हैं उसके एक आउटसाइड द कैन. ठीक है, ऑन द अपर लिड ऑफ द कैन. ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसका प्रेशर क्या होने लगता है, ऑन द ऑयल कॉलम इंक्रीज होने लगता है. राइट, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, ऑयल ईजिली बाहर निकल आता है. Right, this is all about your consequences of atmospheric pressure. I hope you all understood this. Thanks and have a nice day.